अभी लॉकडाउन कल से चालू हो रही है, 10 से 16 तक, एक हफ्ते के लिए। देखिए, जो कोरोना विस्फोट का खतरा बिहार में बना हुआ है, अब मुख्यमंत्री आवास तक भी, वहाँ भी 60 कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। कल 2 दिनों तक NMCH में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की लाश पड़ी रह गई ICU में, कोई देखने वाला नहीं। अब ये सरकार की लापरवाही का नतीजा, सरकार की नाकामी का नतीजा है कि आज लॉकडाउन करना पड़ रहा है। पूरे बिहार में लॉकडाउन करना चाहिए, इसका सख्ती से पालन करना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा। और सरकार की नाकामी या लापरवाही का खामियाजा बिहार की जनता भुगतेगी। सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवारी और जवाबदेही से नहीं भाग सकती है। ये सरकार अगर सख्ती बरतती, बार बार नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि सरकार को ढिलाई नहीं देनी चाहिए, सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव में मस्त हो गई और इधर बिहार की जनता कोरोना से पस्त हो रही है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव होगी कि नहीं, डेट बढ़ेगी? तो चुनाव आयोग का निर्णय है, जब भी चुनाव होगी तो हम लोगों का मानना है कि परंपरागत तरीके से चुनाव होने चाहिए।